हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए जाते हो तब वहां के आप पैसा आपको लेके जाने होंगे फॉरेन करेंसी, तो ये फॉरेन करेंसी आपको इंडिया में कहां से मिलेंगे, क्या क्या प्रोसीडियर है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, ये सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक बात गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो को आप 100% देखते हो तब आपको और किसी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, आप पूरा क्लियर हो जाओगे कि इंडिया में फॉरेन करेंसी कैसे मिलेंगे आपके फॉरेन ट्रिप्स को बनाने के लिए। तो बने ये मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस जब भी आप फॉरेन ट्रिप के लिए प्लान करते हो सबसे स्टार्टिंग में आपको चाहिए पैसा, तो पैसा आपको फॉरेन करेंसी लेके जाने होंगे। तो मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी क्या है? मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स। ये प्रेफर्ड है इसलिए ये हर जगह ईच एंड एवरी कंट्री में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ एक्सचेंज। तो यूएस डॉलर आपको लेके जाना है। अगर आपको बाय चांस यूएस डॉलर कहीं पे मिला नहीं तब दूसरे मेजर करेंसी भी लेके आप जा सकते हो, जैसे कि इंग्लैंड के पाउंड जो है, ये रहा इंग्लैंड के पाउंड। इंग्लैंड के पाउंड भी बहुत कंट्रीज में एक्सेप्ट होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में एक्सेप्ट होते हैं। नहीं तो अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भी आप लेके जा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास कैनेडियन डॉलर है, न्यूजीलैंड के डॉलर है, यूरो है, ये सारे पैसे आप लेके जा सकते हो फॉर योर फॉरेन ट्रिप। सब एक्सचेंज हो जाएंगे इन ए फॉरेन कंट्री, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल जो है ये है यूएस डॉलर्स जो मेरे पास अभी है। एक बार हमेशा याद रखिए, ये जो इंडियन रुपी है इसके भरोसे आप कभी भी फॉरेन कंट्री में मत जाइए घूमने के लिए, क्योंकि सब कंट्री में इंडियन रुपी एक्सेप्टेड नहीं है। अगर एक्सेप्टेड हो भी तो आपको बहुत पुअर एक्सचेंज रेट मिलेंगे, आपके भारी नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए इंडियन करेंसी को लेके मत जाइए, थोड़ा बहुत आप लेके जा सकते हो लेकिन यूएस डॉलर्स या किसी भी मेजर करेंसी को लेके जाइए। और एक बात याद रखिए कि अगर आप इंडियन करेंसी लेके जाते हो बाहर में, आप सिर्फ मैक्सिमम 25,000 रुपीज पर पर्सन लेके जा सकते हो। लेकिन जो फॉरेन करेंसी है लाइक यूएस डॉलर्स और दूसरे मेजर करेंसीज वो आप अनलिमिटेड लेके जा सकते हो, लेकिन अबव 10,000 आपको कस्टम्स के लिए डिक्लेयर करने होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप फॉरेन करेंसी ही लेके जाओ। तो अभी प्रॉब्लम आ गया कि ये जो यूएस डॉलर्स है ये आपको इंडिया में कहाँ पे मिलेंगे? ये इंडिया में आपको बहुत सारी जगह में मिलेंगे, तो मैं आपको ये सारी डिटेल्स एक एक करके बताऊंगा। तो अभी बात करते हैं कि ये यूएस डॉलर्स जो है ये आपको इंडिया में कहाँ पे मिलेंगे। देखिए ये बहुत सारे जगह में आपको मिलेंगे, तो तीन चार ऑप्शन से मैं आपको बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो है बैंक्स पे। तो बैंक्स पे बहुत सारे बैंक्स पे फॉरेक्स डील करते, तब आप खुद पता कीजिएगा कि आपका ब्रांच पे ये फॉरेक्स डील करते हैं कि नहीं। बैंक अगर डील करते हैं आपको आराम से एक्सचेंज मिल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि उस पर्टिकुलर ब्रांच पे आपको एक अकाउंट खोलने बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको बैंक एक्सचेंज करके नहीं देंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगते, जस्ट आधे घंटे एक घंटे के अंदर आपको पैसा दे देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए बताते चलिए। तो फॉरेन करेंसी मिलने के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है, पहला है आपको पासपोर्ट चाहिएगा, पासपोर्ट की एक जेरोक्स कॉपी आपको देना होंगे। नेक्स्ट आ गया पैन कार्ड, पैन कार्ड की एक जेरोक्स कॉपी भी आपको देना है। थर्ड आ गया रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, तो रिटर्न फ्लाइट टिकट्स विद इन 60 डेज ऑफ डिपार्चर आपको देने होंगे। और लास्ट में आ गया वीजा ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री व्हिच यू आर विजिटिंग। और अगर उस कंट्री में वीजा नहीं है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, मॉरिशियस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तब आपको वीजा देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस कंट्री में वीजा है तो आपको वीजा भी देना मस्त है। तो चार डॉक्यूमेंट्स हो गया, एक हो गया आपका पासपोर्ट, सेकेंड हो गया पैन कार्ड, थर्ड हो गया रिटर्न फ्लाइट टिकट्स और फोर्थ हो गया आपकी वीजा। तो ये चार डॉक्यूमेंट्स आप दे दो अलोंग विद एन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको बैंक्स इमीडिएटली पैसा दे देंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे आपको? तो आपको जस्ट बैंक में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना है और उसके बाद एक चेक लिखना है आपको पे सेल्फ, और जितना भी आप अमाउंट निकाल रहे हो, जैसे कि अगर $1,000 निकाल रहे हो तब पे सेल्फ $1,000 ले से लिख दीजिए, तब बैंक्स आपको $1,000 इक्विवेलेंट दे देंगे और आपको अकाउंट से 1,000 रुपीज जो एक्सचेंज रेट से वो काट लेंगे। तो ये हो गया नंबर वन बैंक से। लेकिन बैंक से अगर आप पैसा लेते हो, एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको फिक्स्ड रेट मिलते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं मिलते, क्योंकि बैंक के एक इंटरनल रेट है जो ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट द सेम ही है, तो इसलिए आप बार्गेन नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट बेटर ऑप्शन क्या है वो बात करते हैं चलिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन हो गया ट्रेवल एजेंट्स। अगर ट्रेवल एजेंट्स आपके एरिया में है तब आप वहां से बार्गेन कर सकते हो, कुछ रुपए डिस्काउंट दे सकते हैं, तब उसलिए आप ट्रेवल एजेंट के पास भी एक बार जाके देख सकते हो। तो उन लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली सेम ही लगेंगे,
पासपोर्ट, पैन कार्ड, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स और उस कंट्री के वीजा। लेकिन बैंक से आपको अच्छी रेट्स मिल सकते हैं थ्रू ए ट्रेवल एजेंट। तो इसलिए अगर आपके पास एरिया में ट्रेवल एजेंट्स है तब पहले ट्रेवल एजेंट के पास जाइए, उसके बाद बैंक में जाइए टू चेक द एक्सचेंज रेट्स। और नंबर 3 आ गया ऑनलाइन। ऐसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो आपको एक्सचेंज करके दे देंगे फॉरेन करेंसी। तब आपको जस्ट घर बैठे आपको ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत सारे जो है आपको सर्च करने हैं, वहाँ पे आप अपना अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, कितना पैसा आपको चाहिए वहाँ पे दे दीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट, पैन कार्ड, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स और वीजा, ये सारे अपलोड कर दीजिए और पैसा पेमेंट कर दीजिए, आपको घर में आके वो सारे दे देंगे। ऑनलाइन पोर्टल से लेने के लिए एक एडवांटेज ये है कि वो ऑनलाइन पोर्टल जो है उस एरिया के सारे लोकल डीलर्स के साथ कंपेयर करके बेस्ट प्राइस आपको देते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन से अगर आपके पास ऑनलाइन रिटेलर्स है और उस एरिया में जा रहे बहुत सारे ट्रेवल एजेंट्स है, तब आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो फॉर योर फॉरेन करेंसी। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो है एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में एक्सचेंज करना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत एक्सचेंज रेट्स लेते हैं, आपको बहुत कम पैसा मिलेंगे फॉर योर इंडियन रुपीज जब आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हो। तो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर आपके पास किसी कुछ भी ऑप्शन नहीं है और आपको अर्जेंटली जाना पड़ा किसी फॉरेन कंट्री में, तभी आप एयरपोर्ट में जाके एक्सचेंज कीजिए ऑन द लास्ट रिसॉर्ट साइड। नहीं तो आप एयरपोर्ट में कभी भी एक्सचेंज मत कीजिए, इट इज़ वेरी कॉस्टली इनसाइड द एयरपोर्ट। तो ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने के लिए सबसे अच्छी डील क्या है, तो मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देख लीजिए। जो जो ऑनलाइन वेबसाइट्स फॉरेन करेंसी में डील करते हैं इंडिया में, उसमें आप एक बार चेक कर लीजिए आपकी एरिया में, तो वहां पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। दैट इज द नंबर वन पॉइंट। अगर वो आपके पास एरिया को सर्विस नहीं करते तब आप किसी लोकल एजेंट के पास जाइए, लोकल एजेंट के पास जाके आप बार्गेन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आप जाके बैंक में देख सकते हो, वहां से आपको फॉरेक्स मिल जाएंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन एज ए लास्ट रिसॉर्ट आप एयरपोर्ट में जाओ और वहां पे एक्सचेंज कर लो। और फ्रेंड्स, मैं यहां पे एक टिप देना चाहूंगा कि आप जब भी फॉरेन करेंसी लेते हो प्रेफरेबली ये नए वाले यूएस डॉलर्स को ही लेना, क्योंकि ये अगर आप ये पुराने वाले यूएस डॉलर से ये किसी किसी कंट्री आपको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते। ये लीगल टेंडर अभी भी है, लेकिन पता नहीं किस लिए मेरे पास एक बार हुआ था, मैं जब थाईलैंड गया था ये पुराने वाले यूएस डॉलर बिल्स एक्सेप्ट नहीं किया था, ये नया वाले जो है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिए थे। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर ऑप्शन है तब ये नया वाला ही लीजिए, ये पुराना वाला हमेशा मत लीजिए, आपका प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, ये याद रखिएगा हमेशा। तो गाइस, ये रहा एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको कहा कि आप फॉरेन करेंसी इंडिया में कैसे मिलेंगे। आपको उम्मीद है आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव रहा। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन से डाउट्स से मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। तो मैं नेक्स्ट बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा और नए वीडियोस के साथ। तो अपना ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।